दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरसी नेता के कविता को फिर बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति केस से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में राव जेवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत वाली मांग को ठुकरा दिया। दिल्ली की राव जेवेन्यू अदालत ने सोमवार को के कविता को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद के कविता की मुसीबत और बढ़ गई है और अभी वो जेल में ही रहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में के कविता की जमानत याचिका खारिज हुई है। दरअसल दोनों जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई ने भरी अदालत में के कविता की जमानत अर्जी का ये कहकर विरोध किया कि के कविता इस पूरे घोटाले की मुखिया साजिशकर्ताओं में से एक हैं और अगर उनको जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसके बाद जज ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जमानत देने के लिए ये सही समय नहीं है। इससे पहले राव जेवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले बीआरसी नेता के कविता की याचिका पर बीते शुक्रवार को ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने 7 मई को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश करने का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर 6 मई यानी आज जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज अदालत ने कविता के आवेदन पर दलीलें सुनी और ईडी सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। दरअसल भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरसी की नेता के कविता वकील रितेश राणा ने आवेदन में अदालत से कहा कि वो तिहाड़ केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के बजाय अदालत के समक्ष पेश होना चाहती हैं। अदालत ने 23 अप्रैल को जेल अधिकारियों को कविता की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें डिजिटल तरीके से पेश करने का निर्देश दिया था। बता दें कि ईडी ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद थी। दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई को खत्म होगी।